हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप जैट एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो तो यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जैट एग्जाम के लिए पढ़ के जाने हैं। एंड डेली टाइम टेबल, मतलब हर दिन का आपके सामने एक प्लान होगा कि आपको डे वन में क्या करना है, डे टू में क्या करना है, डे थ्री में क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। एंड विद इन 30 डेज आप अपनी जैट की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लोगे। लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने इस टाइम टेबल को फॉलो किया था उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 99+ परसेंटाइल आया था। उनका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा, उनका फीडबैक भी आपको दिखाऊंगा। एंड आप ये बात मान लो कि विद इन 30 डेज आप बहुत अच्छे से जैट की प्रिपरेशन इस समय कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि डेली बेसिस पे आपको 6 to 7 आवर्स डिवोट करने। अगर आप डेली 6 to 7 आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हो तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज मैं आपकी पूरी जैट प्रिपरेशन करा दूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी एमबीए रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ पे डेली बेसिस पे क्वांट्स, फॉर्मूले, करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी, वर्ड्स सब कुछ आता रहता है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जैट एग्जाम में अलग क्या है। तो मैं जैट 2020 का जो एक्चुअल पेपर पैटर्न आया था एंड उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो सारी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैट 2020 आपका दो पार्ट्स में आया था, पार्ट वन एंड पार्ट टू। ठीक है, जो पार्ट वन थे उसमें आपके तीन सेक्शंस होते हैं, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, एंड जो थर्ड पार्ट होता है उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। टोटल 75 क्वेश्चंस के आते हैं जिसमें से 26 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, 21 क्वेश्चन आपके डिसीजन मेकिंग के हैं, एंड क्वांट के जो क्वेश्चन है वो 28 क्वेश्चन होते हैं। करेक्ट क्वेश्चन के आपको 1 मार्क मिलता है एंड अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 है। फिर आपका पार्ट टू होता है जिसको हम जीके का बोलते हैं। इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होते हैं, आपको अपियर करना मैंडेटरी है लेकिन इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। जो भी आपकी कट ऑफ आती है, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं वो सिर्फ पार्ट वन के स्कोर के बेसिस पे होते हैं। पार्ट टू में आपके 25 क्वेश्चंस हैं, सही के 1 मार्क्स हैं और गलत के 0 मार्क्स हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखोगे जैट एग्जाम में वो आपकी क्या है कि कोई भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। सेक्शनल टाइमिंग एज इन कि जो आपका पार्ट वन है उस पूरे पार्ट वन के लिए आपको जितना टाइम मिलना है उतना टाइम आपको मिलेगा। आप यहाँ पे इन तीनों सेक्शन में स्विच कर सकते हो। जब आपका पार्ट वन का टाइम ओवर हो जाएगा फिर आपका पार्ट टू होगा जिसमें आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें आपको टोटल 165 मिनट्स मिलेंगे एंड सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। तो टोटल 180 मिनट्स का ये आपका एग्जाम हो गया। ठीक है, जिसमें आप ये 165 मिनट्स में तीनों के तीनों सेक्शन में कितनी बार भी स्विच कर सकते हो वो आपके लिए चैलेंजिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या चीज समझनी है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़ते हो। जब हम कैट या बाकी अदर एग्जाम देते हैं तो वहां पे अनअटेम्प्टेड के 0 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आपने 8 क्वेश्चन तक अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं तो आपको 0 मिलेंगे, बट उसके बियॉन्ड आपकी 0.1 की नेगेटिव मार्किंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप गलत करोगे तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग एंड अगर आप छोड़ के आओगे तो 0.10। लेकिन इसको ना बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है क्योंकि इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। एंड आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए एक्यूरेसी पे। ठीक है, तो इस चीज पे बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको कुछ नेट क्वेश्चन मिलते हैं एनएटी, तो एनएटी जो होता है वो दैट इज वेरी सिमिलर टू टीटा क्वेश्चन, मतलब ऑप्शंस आपके पास नहीं होते एंड आपको आंसर को टाइप करना होता है। ठीक है, और नेट क्वेश्चन में भी कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर स्ट्रक्चर है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, सबसे पहला तो डिसीजन मेकिंग। भाई डिसीजन मेकिंग आपका मेक और ब्रेक है इस पर्टिकुलर एग्जाम का, क्योंकि ये एक ऐसा डोमेन है जो आपने पढ़ा नहीं है अभी तक। लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप कर नहीं सकते, इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट पता है किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को तो आप आराम से इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी स्कोर कर सकते हो। काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि जैट एग्जाम आपका डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। तो अगर जैट एग्जाम आपका डिफिकल्ट होता है तो इसकी कट ऑफ भी कंपैरेटिवली कम रहती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 75 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हो गए, जहां से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी वो 75 मार्क्स होगी। अब क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे रहता है तो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 75 में से अगर आपके अराउंड 30 मार्क्स आए थे तो आपकी ओवरऑल 95 परसेंटाइल बन रही थी। तो अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो स्ट्रांग है काफी और उसमें आप मैक्सिमाइज कर लेते हो अपना स्कोर एंड बाकी दोनों सेक्शंस में आप मॉडरेट भी रखते हो तो भी आप इजीली यहां पे क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है सर ये जैट एग्जाम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें इसके लिए सीरियस क्यों होना है,
क्योंकि जैट एग्जाम से आप टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो एंड बहुत अच्छे कॉलेजेस ऐसे हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। उसमें से टॉप पे आपका एक्सलरी जमशेदपुर है जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है एमबीए का। उसके बाद एग्जाम भी भुवनेश्वर, आईएमटी, गाजियाबाद, तापमी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स, चेन्नई, इरमा, माइका, केजे सोमाया, फोर, वेलिंगर, तो काफी सारे ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलरली एक्सएलआरआई टारगेट करना है तो एक्सएलआरआई की कट ऑफ कैसे रहती है लास्ट ईयर के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको, जो आपकी बीएम की कॉल है। भाई एक्सएलआरआई में आपके दो मेजर कोर्स होते हैं, एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बीएम की जो कट ऑफ है मेल की लास्ट ईयर वो 95% थी एंड फीमेल की 93%। एंड अगर आप एचआरएम कोर्स देखोगे तो मेल इंजीनियर की कट ऑफ 93, फीमेल इंजीनियर की कट ऑफ 91, मेल नॉन इंजीनियर की कट ऑफ 90 एंड फीमेल नॉन इंजीनियर की कट ऑफ 88%। तो इतनी अगर आपकी परसेंटाइल आ गई है तो आपको एक्सएलआरआई से रिस्पेक्टिव कोर्सेज में कॉल आ जाएगी इंटरव्यू की। लेकिन अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो आपके चांसेस हायर हो जाएं, तो आपको 98 प्लस जैट में टारगेट करना चाहिए, जिसके बाद आप एक कंफर्टेबल पोजिशन में आ जाओगे कि आप इंटरव्यू को भी बहुत ईजिली से कन्वर्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैट के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर इसका प्लान क्या होना चाहिए, हमारे पास टोटल 30 डेज हैं, हमें क्या क्या चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले अगर मैं वर्बल एबिलिटी की बात करूं तो वर्बल एबिलिटी में थोड़ा सा यहाँ पे कैच है। वो कैच के आप देखोगे यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं, एनालॉजीज के क्वेश्चंस भी बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ ही जो आरसीज आते हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड मतलब आप देखोगे यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन होंगे, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इन सब चीजों की हमें प्रैक्टिस करनी है। नंबर टू अगर मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग एक इनका ऐसा सेक्शन है जो इस पूरे पेपर को यूनिक बना देता है, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने डिसीजन मेकिंग के अप्रोच को बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। ठीक है, अब जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि आप एक अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करा, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या रिएक्ट करोगे, या फिर कोई एथिकल डिलेमा होता है कि आप कोई चीज कर रहे हो लेकिन आपके मैनेजर को वो चीज नहीं पता, आपने भाई एस्केलेट करके आपने अपने सीनियर मैनेजर को वो चीज भेज दी, अब आपके मैनेजर को वो चीज पता चल गई, आपने उससे क्वेश्चन पूछा, तो उस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा। तो जो रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है, जो रियल लाइफ कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो एथिकल टर्म्स में हो, चाहे एक्सपेंशन टर्म्स में हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे डिसीजन मेकिंग में पूछे जाते हैं। इसको करना कैसे भी बताता हूं। इसके बाद हमारा थर्ड सेक्शन है क्वांट्स। अगर आप क्वांट्स देखोगे तो क्वांट्स का जो लेवल होता है वो कैट से एक लेवल अप रहता है, बिकॉज कैट का क्वांट कंपैरेटिवली अब इजी आने लगा है। ठीक है, तो क्वांट्स थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट रहता है एंड यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं, आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस भी आते हैं, अरिथमेटिक भी आता है, ज्योमेट्री भी आता है, मॉडर्न मैथ्स भी आता है, उसके बाद आपका एलजेब्रा भी आता है। तो क्वांट्स आपका जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो आपने कैट में पढ़ा था, बट एक लेवल आपको बस थोड़ा सा ऊपर करना है एंड यू आर गुड टू गो फॉर क्वांट्स। एंड जहां तक बात है जीके की, अगर मैं आपसे बात करूं तो जीके में कुछ क्वेश्चन इसके करंट अफेयर्स के भी आते हैं एंड कुछ स्टैटिक जीके के भी आते हैं। तो जो स्टैटिक जीके के मेजर क्वेश्चन होते हैं वो आपके इकोनॉमी बेस्ड होते हैं, या फिर वो आप देखोगे पॉलिटी के क्वेश्चन काफी सारे इसमें पूछ लेता है, या फिर आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ काफी एक्सपेक्ट करते हो, जैसे रिवर्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एंड करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको लास्ट की वन ईयर की करंट अफेयर्स करनी है, जनवरी से लेके अराउंड नवंबर दिसंबर तक की, एंड यू आर इन अ गुड स्पेस जहां पे आप इसका जीके सेक्शन भी इजीली क्रैक कर सकते हो। सर आपने हमें सिलेबस तो बता दिया, इसको पढ़ाई कैसे करें, हमारा प्लानर क्या होना चाहिए, तो अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से पढ़ना चाहते हो, तो 3 दिसंबर से मेरा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, उसका प्लानर आपको दिखा देता हूँ, वही प्लानर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, उसी के बेसिस पे सारी की सारी प्रिपरेशन आपको कराने वाला हूं। तो इस तरह का ये प्लानर है, जैट का 30 डेज का स्टडी प्लानर मैं आपके सामने लेके आया हूं। एक चीज ध्यान रखना कि जैट एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो उसके लास्ट के भाई आपको पेपर करके जाने कम से कम 7 to 8 years के, क्योंकि काफी सारे जैट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मेरा जो प्लानर है उसमें मैंने आपके सारे सेक्शन को भी इंक्लूड कर दिया है, जनरल नॉलेज भी इंक्लूड कर दिया है, मॉक्स भी इंक्लूड कर दिए हैं, प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड कर दिया, ताकि फुल फ्लेज्ड आपकी ये प्रिपरेशन
हो जाए, तो इसके चाहे अपनी नोटबुक में नोट्स बना लो, चाहे फोटो क्लिक कर लो एंड आप इस प्लानर को बहुत सिंसियरली फॉलो कर सकते हो। तो हमने कहा हम 3 दिसंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो 3 दिसंबर से अगर आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप एक जैट का मॉक लगा दो, ठीक है। अब आप अगर जैट का मॉक लगाओगे तो उससे क्या होगा, जो जैट का 2020 का पेपर है वो आपको देना है, तो इससे आपको बिल्कुल एक रियल आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर किस टाइप का पेपर था एंड आपके वीक एरियाज क्या है, स्ट्रेंथ एरियाज क्या है, जिसके बाद आप थोड़ा सा अच्छी पोजिशन में आ जाओगे अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ प्लानर, यही मेरा क्रैश कोर्स का प्लानर है, और इस क्रैश कोर्स में मैं आपको डे वाइज डेज इसी तरह सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। डेली 6 to 7 hours का कंटेंट आपको पढ़ना है, जिसमें से आपकी 4 to 5 hours की वीडियोस होंगी एंड आपका 2 hours का मॉक होगा, 3 hours का मॉक होगा एंड नेक्स्ट डे आपको उसको एनालाइज करना है। तो अगर आप ये सिंसियरली फॉलो करते हो तो बहुत इजीली आप जैट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे RCS के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी है, देन क्वांट में आपको टाइम एंड वर्क फिनिश करना है एंड जो आपने जैट 2020 दिया था 3 दिसंबर को उसका एनालिसिस आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद हम 4 दिसंबर की बात हमने कर लिया, 5 दिसंबर की बात देखें तो RC1 वाला वीडियो देखना है, डिसीजन मेकिंग 1 की वीडियो देखनी है, इधर से पाइप्स एंड सिस्टम फिनिश करना है एंड जनवरी की करंट अफेयर्स देख लेनी है। हर एक वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो अप्रॉक्सीमेट 1 hour की होगी, कोई 50 मिनट्स हो सकती है, कोई 65 मिनट्स हो सकती है, कोई 70 मिनट्स हो सकती है, बट एवरेज 1 hour लेके चलो। डेली बेसिस पे मैं आपको 3 to 4 वीडियोस दे रहा हूँ, जिसका मतलब भाई 3 to 4 hours का आपको कंटेंट देखना है, बिल्कुल जैट स्पेसिफिक कंटेंट एंड हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से है। तो अगर आपने बेसिक्स भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके कॉन्सेप्ट पहले यहाँ क्लियर कराए जाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे ताकि आप इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओ। उसके बाद जो आपको वीडियो देखना है वो है वर्बल एबिलिटी का, एनालॉजीज का, इधर क्वांट्स में आपको परसेंटेजेस देखना है, जीके में आपको फरवरी करंट अफेयर्स देखना है। हर ऑल्टरनेटिव डे पे हम एक पेपर करेंगे, तो यहाँ पे जैट 2019 है, फिर एक दिन छोड़ के जैट 2018, फिर जैट 2017, जैट 2016, जैट 2015, जैट 2014, फिर 2013, सारे के सारे पेपर ये मैंने आपको पोर्टल पे मॉक की फॉर्म में प्रोवाइड करें, ताकि आप हर एक मॉक को सॉल्व करो, आपका एक तरह से मॉक भी हो गया एंड आपने प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कर लिए। प्रीवियस ईयर के अलावा 5 additional मॉक्स भी प्रोवाइड करूंगा, जो आपको कब देने अभी आगे आपको बताने वाला हूं। फिर आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे ग्रामर की वीडियो देखनी है, देन डिसीजन मेकिंग 2 देखना है, फिर प्रॉफिट लॉस की वीडियो देखनी है, इधर मार्च का करंट अफेयर फिनिश करना है, फिर वर्बल एबिलिटी, देन आपका रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो, इधर अप्रैल की करंट अफेयर। इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा वर्बल हमने कवर कर दिया, चाहे वो वर्बल एबिलिटी हो, चाहे वो RCS हो, चाहे वो ग्रामर हो एंड इधर हमने क्वांट में पूरा अरिथमेटिक यहाँ पे फिनिश कर दिया है, नंबर सिस्टम यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे, यहाँ ज्योमेट्री फिनिश कर देंगे एंड अगर आप जीके सेक्शन देखोगे सारी करंट अफेयर्स हम फिनिश कर देंगे, देन हम स्टैटिक जीके की जो वीडियोस है उनको भी देख लेंगे ताकि हमारा जीके में भी काफी अच्छा स्कोर बन जाए। इधर आपको भाई डिसीजन मेकिंग की ये जो वीडियोस प्रोवाइड की है इनको आपको ऑल्टरनेटिव डेज पे देखना है एंड क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्बल एबिलिटी में लॉजिकल रीजनिंग के भी 1-2 questions आ सकते हैं एंड क्वांट में आप देखोगे 1 to 2 sets आपके DI के आते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको DI की भी वीडियोस दे दी है, LR की भी वीडियोस दे दी है, ताकि पूरा फुल फ्लेजेड आपके प्रिपरेशन हो जाए। फिर आप यहाँ पे देखोगे ग्रामर की फर्दर वीडियोज है, ग्रामर एरर की वीडियोज है एंड यहाँ पे मैंने आपको क्रिटिकल रीजनिंग अलग से भी करा दिया है, ताकि अगर आपके RCS में भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड आउट हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट का हो, चाहे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट का हो, वो सारे आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएं। देन यहाँ पे आपको रेगुलरली डिसीजन मेकिंग की जो वीडियोस प्रोवाइड हुई हैं उनको आपको इसी ऑर्डर में देखना है एंड देन आपको यहाँ DI सेक्शन की जो फर्दर वीडियोस है वो देख लेनी है। अगर हम क्वांट्स की बात करें तो यहाँ पे हमने ज्योमेट्री पूरा फिनिश कर दिया है, यहाँ पे हम एलजेब्रा चला रहे हैं, उसके बाद हमारा मॉडर्न मैथ्स फिनिश हो जाएगा एंड स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो अवार्ड्स की बात हो, स्पोर्ट्स हो, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हो, गवर्नमेंट बॉडीज हो, मिसलेनियस इंडिया एंड वर्ल्ड हो, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हो, इंपॉर्टेंट कमिटीज हो, माउंटेन्स, हिमालयस, रिवर्स, सेंसस, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, आर्ट एंड कल्चर, सारे के सारे टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसके बाद आपको एक्स्ट्रा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इधर मॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपने जैट 2008 तक भाई प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लिए, मतलब अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 पेपर आपने सॉल्व कर लिया, जिसका मतलब है कि अब आपकी जैट एग्जाम पे बहुत अच्छी कमांड बन चुकी है। इसके बाद जो मैंने आपको मॉक्स प्रोवाइड करे हैं एडिशनल, वो मॉक्स आपको देने हैं जैट मॉक 1, जैट मॉक 2, जैट मॉक 3, जैट मॉक 4 एंड जैट मॉक 5। तो 31 दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देन आप लास्ट के 2 दिनों में इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करना चाहते हो, कुछ फॉर्मुलेस गो थ्रू करना चाहते हो, कोई मॉक रह गया है, कोई वीडियो रह गई है उसको आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो एंड 3 जनवरी को आपका एग्जाम होना है।
बहुत ही मास्टर टाइम टेबल है, इसमें एक एक इंपॉर्टेंट चीज को कवर कर लिया गया है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अगर आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वो सारा का सारा कंटेंट जो मैंने आपको बोला है आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। बट अगर आप चाहते हो कि सर लास्ट 30 डेज में मैं नहीं चाहता कि मेरा एक मिनट भी वेस्ट हो, मुझे एकदम ऐसा कॉन्टेंट मिले जो टू द पॉइंट हो, जिसके बाद मैं अपने एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट हो जाऊं, तो ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज 3500 रुपीज, जिसमें सारी की सारी वीडियोज, स्टडी प्लानर, प्रीवियस ईयर पेपर, सारे के सारे मॉक्स एंड जितने भी मॉक्स और प्रीवियस ईयर पेपर हमारे होते हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन आपके पास पोर्टल पे अवेलेबल होता है, ठीक है। एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हो तो वो भी आप हमारे पोर्टल पे ले सकते हो, वेबसाइट से परचेज कर सकते हो studybus.co.in से। ये जो कोर्स है ये एक वीडियो कोर्स है जिसमें आपको मैंने जिस डे में कोर्स बताया उसी डे में आपको वीडियो मिलती रहेंगी, उन वीडियोज को आप कभी भी देख सकते हो, वो वीडियोज आपके पास वैलिड रहेंगी 3 जनवरी तक। तो 3 जनवरी तक आप ये वीडियोस को रिवाइज करना चाहते हो रिवाइज भी कर सकते हो, बार बार देखना चाहते हो देख सकते हो, इस कोर्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो अपने एक लैपटॉप या फिर एक एंड्रॉइड फोन में। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में पूरा कोर्स देख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे फोन में पढ़ना है, मेरे पास एंड्रॉइड डिवाइस है, मुझे ट्रैवल करना होता है, तो आप अपने फोन से भी पढ़ाई कर सकते हो। ये जो कोर्स है ये सिर्फ एक ही डिवाइस में एक्टिवेट हो सकता है एंड किसी और डिवाइस में एक्टिवेट नहीं होगा। तो मेक श्योर कर लेना कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, जब आप बाय करते हो आपके सामने ऑप्शन आता है लैपटॉप या एंड्रॉइड, फॉर्म फिलिंग के टाइम में वो फिल कर देना। इसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा का पूरा जो कोर्स है वो बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखाया गया है पढ़ाया गया है, ताकि आप जैट एग्जाम को क्रैक कर पाओ एंड आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा। 5 फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे एंड 10 प्रीवियस ईयर पेपर मॉक की फॉर्म में मिलेंगे एंड सबका सॉल्यूशन एंड एनालिसिस आपके सामने अवेलेबल होगा। कोर्स जो डिजाइन किया गया वो स्पेशली डिजाइन किया गया जैट एस्पिरेंट्स के लिए, हर दिन का स्टडी प्लान आपको मिलेगा ताकि आप इस एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओ। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया था आपके सामने रिजल्ट दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हो, मयंक 99.69% एंड इसने खुद बताया कि भाई उसका कैट में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, बट बिकॉज भाई इस कोर्स से उसका जो रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा यहाँ पे निकल के आ गया। उसके बाद आशित पुरी देखोगे 99.65%, अगेन आप देख सकते हो द कोर्स वॉज अमेजिंग, द बेस्ट थिंग वॉज द मॉक आइडियाज विच गेव अ रियल आइडिया। उसके बाद सक्षम मेहरोत्रा 98.8, थैंक्स फॉर द अमेजिंग कॉन्टेंट। मयूर देखोगे 98.02, द कोर्स वॉज परफेक्ट एंड हेल्प मी टू क्रैक कैट विथ फ्लाइंग कलर्स। उसके बाद आप देखोगे रोहन नागर 97.69%, एक्सीलेंट कोर्स। देन पार्थ महाजन 97.59, अभिषेक जैन 96.13, आयुष 96.85, सूरज 95.26, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जैट एग्जाम को नेल किया है। ये तो मैं आपको 95 से ऊपर वाले बता रहा हूँ, अगर आप जैट में 85-90 प्लस भी ले आओ तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे IIT गाजियाबाद, XIMB, ग्रेट लेक, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आप एंटर कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ एक ही है, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तभी ज्वाइन करना। डेली आपको 6 to 7 hours डिवोट करने पड़ेंगे, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक प्लानर प्रोवाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस्ट मॉक एनालिसिस आपको दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर आप 30 डेज नेक्स्ट मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो 6 to 7 hours हर दिन, तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर लो। 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसका मतलब है उसके बाद हर दिन हमारी मेहनत लगेगी, हम लोग पढ़ाई करेंगे एंड जैट एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक करके मानेंगे। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो वेबसाइट पर चले जाओ studybus.co.in एंड अगर कोई क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो इस नंबर पे भाई आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।